हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है, क्या कंडीशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी के बीच में, कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कब कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं, या उसका उल्टा सही है या नहीं, ये भी चीजें हमने डिस्कस करी थी। साथ ही साथ हमने डिफरेंशिएशन के बारे में भी रीड आउट किया था कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम उसी सीरीज ऑफ टॉपिक्स में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कई तरह के आपके क्वेश्चन हैं जो गेट में आ जाते हैं। जैसे आपका एक टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका उसमें से मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास भी दो दो थ्योरम, दो से तीन थ्योरम है आपके पास। सो मीन वैल्यू थ्योरम में पहला थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉलेस थ्योरम पढ़ेंगे। सो मीन वैल्यू थ्योरम आपका पहला एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला टॉपिक आज का आपका है मीन वैल्यू थ्योरम, और उसमें भी आपका पहला टॉपिक है रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम कहता क्या है कि सपोज करते हैं आपके पास कोई फंक्शन है, f(x), और उसमें कुछ तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, ये वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज ब्रैकेट ए और बी के बीच में, f(x) एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी पॉइंट कहाँ पे ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट में, और एक और ऐसा वैल्यू है जहाँ पे एफ ए और एफ बी बराबर भी है। तो एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करेगा जहां पर आपका f(c) क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं इसकी कंडीशन लिखता हूं, सबसे पहले कंडीशन लिखता हूं, इफ अ फंक्शन fx इज सच दैट पहला पॉइंट जैसा मैंने बोला क्या होना चाहिए, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, मतलब ए एंड बी आर इंक्लूडेड। f डैश x एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर कोई फंक्शन ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, देन ये इंप्लाई करता है रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट्स, देन देयर एग्जिस्ट्स, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू सी विच लाइज इन द इंटरवल बिटवीन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच डैट एफ डैश सी आपका क्या होगा, वो जीरो। तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान रखेंगे अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी अनसेटिस्फाई हुई तो रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब कि ये कंडीशन तब नहीं आएगी। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपको देखना है तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है, चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट पेज पे। सपोज करते हैं आपके पास, मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये मैं मान लेता हूँ आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और अब मैं मानता हूं आपके पास कोई कर्व है, सपोज करते हैं आपके पास कोई कर्व है, कर्व को आपका रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ट्राई करूंगा ड्रॉ करने का। ठीक है, सपोज करते हैं अब आपका ये पॉइंट है यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ आपके, इन पॉइंट्स को मैं मार्क किया हूँ, ये आपका एक पॉइंट है, मुझे एफ ए और एफ बी भी बराबर दिखाना है ना, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए,
तो ये कर्व भी आपका यहीं कहीं आएगा, सॉरी ये कर्व आपका इसी पॉइंट पे आके लाइक करना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपका कर्व आपका यहां से मैं डिलीट कर देता हूँ और यहां से। अभी मान लेते हैं आपका एक पॉइंट है और यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ आपका एक पॉइंट है, ठीक है। चलिए इस लाइन को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, एंड ये आपका एक और पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, सी वाई एक्सिस, इसको आप डॉट लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट है, ये सपोज कर लेते हैं आपका, ये आपका एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, ये एक्स इक्वल टू ए है और ये आपका एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, ये कॉम पॉइंट है आपका बी कॉमा एफ, ठीक है। ये आपका इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर आपका ओरिजिन है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि सपोज करते हैं कोई फंक्शन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, देखिए कि सपोज करते हैं आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, और अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है हर एक पॉइंट इस इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर, और एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको एक पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा जो क्या होगा, सच दैट एफ डैश सी बराबर क्या होगा आपका, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है आपका कि जो पॉइंट ए और बी है, सपोज करते हैं आपका पॉइंट ए यहाँ पे है, आपका पॉइंट ये है, आपका पॉइंट बी ये है, सो अगर आपका पॉइंट ए और बी की बात करूं अगर मैं, सो ए एंड बी आपको ये दो पॉइंट है, इनके बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसपे क्या होगा आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन वैल्यू जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट में जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस, तो एक पॉइंट आपका ये हो सकता है, एक पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे भी ये भी हो सकता है, जहाँ पे आपका स्लोप क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, जहाँ पे आपका स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो टेंजेंट होगा आपका, अगर इस पॉइंट के बीच में ड्रॉ करोगे आपको पॉइंट मिलेगा सी वन सी टू, तो ऐसे करके कई सारे पॉइंट होते हैं ना, रिलेटिव मीन थ्योरम कहता है कि कम से कम आपको ऐसा एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो इनके बीच में एक देखिए पॉइंट P1 हो सकता है, एक पॉइंट P2 हो सकता है, एक पॉइंट P3 हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आ गया, बेसिकली यहाँ पे होगा ऐसे करके, ये कर्व ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कोई दो पॉइंट है जो इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा, तो उन कर्व के बीच में हमें अगर हम कहीं पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी आपके एक्सिस के, वहां पे वो सारे पॉइंट से डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका आपका, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का, क्लियर है, ठीक। एक और चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोली कि अगर जो आपकी ये कंडीशंस हैं, ये जो भी है, मैंने आपकी कंडीशन यहाँ पे लिखी रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम की, ये जो भी मैंने कंडीशन लिखी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपको लगती है कि अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी, जहां पे भी आपकी एक भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के बीच में आपका क्या हो कि एफ डैश एक्स मे बी जीरो एट एनी पॉइंट विदाउट सेटिस्फाइंग रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि ऐसा हो सकता है, आप क्वेश्चन देखेंगे जहां पे क्या होगा, कहीं कहीं भी क्या होगा, आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और वो जीरो आ गया, बट जरूरी नहीं है कि वो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये जो भी तीन पॉइंट आपको मैंने मेंशन किए ए बी सी, उनमें से कोई भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, चलिए ठीक है। इसी तरह अब आपका दूसरा जो थ्योरम आता है, वो दूसरा थ्योरम क्या है, मैंने आई थिंक ग्रीन कलर से लिख रहा था, ठीक है। दूसरा है अब आपका बी, बी दूसरा जो थ्योरम है उसको हम कहते हैं लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, क्या कहते हैं, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम,
ये भी आपका सिमिलर ही है जैसा आपका रोलिंग इक्वेलाइजर हो, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या कहता है, जो कंडीशंस आपके पास पहले थी, जो कंडीशन आपके पास पहले थी रोलिंग मीन वैल्यू थ्योरम की, पहली और दूसरी पॉइंट कि अगर कोई फंक्शन एफएक्स है वो कंटिन्यूअस हो क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी में और डिफरेंशियबल हो ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी में, तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी होना जरूरी नहीं है, बट एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी की कुछ वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी यहाँ पे। तो देखते हैं वो क्या है इक्वेशन, तो इसको मेंशन करते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच डेट फर्स्ट पॉइंट ए इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इज डिफरेंशिएबल, या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एफ डैश सी क्या होता है आपका, यहाँ होता है वो एफ बी माइनस एफ ए आर डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये आपकी कंडीशन होती है किसकी, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम की। अगर आप यहां से देखोगे तो रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम आपका देखोगे तो आप लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल पार्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे आप देखोगे अगर आपने क्या किया एफ बी इक्वल टू एफ ए कर दिया तो एफ बी एफ इक्वल टू एफ एफ डेस सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसीलिए रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एक आपका पार्ट है आपका लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या आपका जनरलाइज फॉर्म है। तो अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए आप रख दोगे तो एफ बी इक्वल टू एफ ए रखते ही लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम का इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर सेम वही कहानी यहाँ पे भी होगी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, करती है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश सी कहीं ना कहीं इसके बराबर हो, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो इन पॉइंट, ये जो भी आपकी जो भी मैंने पॉइंट्स आपको लिख के लिखे है वो सारे पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए अब इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, सेम जैसे हमने वहां पे देखा। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, सॉरी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजिज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, आपका कर्व जैसे पहले प्लॉट किया था वैसे ही कर्व प्लॉट कर लेते हैं। सो ये सब कुछ करते हैं, आपका वाई एक्सिस है और ये आपका सब कुछ करते हैं मैं एक्स एक्सिस है इस बार, ठीक है। और अभी आपका कर्व मैं प्लॉट करूं तो आप कर्व प्लॉट करना है, कुछ करते हैं आपका कर्व मुझे प्लॉट करना है, तो पहले मैं इस बार डॉटेड लाइन पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे दिक्कत ना हो। सो मान लेता हूँ मैं आपका ये यहाँ पर ए आ जाएगा और ये सब कुछ करता हूँ वहां पे बी आ जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद सी और डी में उसके बाद प्लॉट कर दूंगा आपका। चलिए सो अभी मैंने कलर चेंज किया, अब आपका कर्व बनाना शुरू किया मैंने, सब कुछ करते ही आपका कर्व ऐसे जा रहा है, ये आपको टच किया यहाँ पर, ऐसे उठा, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यूं नीचे जा रहा है। अब मुझे आपको मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का वो भी बताना है। सो ये ऐसे करके सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पॉइंट्स यहाँ पे बने वो ही आपका क्या है, ए और बी है, जैसे जो आपका ए यहाँ पे आपका क्या है बी पॉइंट, एक्स इक्वल टू बी वाला पॉइंट है, डॉटेड में चेंज कर दीजिए आप।
सो ये आपका पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी, ये आपका पॉइंट है पॉइंट ए ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट है बी बी कॉमा एफ बी, ठीक है बी कॉमा एफ बी, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे आपका ओरिजिन आ गया, ये आपका पॉइंट वाई आ गया। तो देखिए सेम वही वही चीज जो है आपकी। तो ये क्या कहता है आपका बेसिकली, अगर आप सपोज करते हो, अगर आप सपोज करते हो क्या करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया ए और बी कोई दो पॉइंट है किसी कर्व एफ एक्स के बीच में। सो जो कॉर्ड होगी ए बी, जो मैंने आपकी कॉर्ड ड्रॉ करी है, जो कॉर्ड मैंने इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, जो ये जो कॉर्ड ए बी होगी आपकी, ये जो कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड ए बी का अगर आपने स्लोप निकाला, इस कॉर्ड ए बी का अगर आपने स्लोप निकाला, इस कॉर्ड ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, इस कॉर्ड ए बी का स्लोप आपका वही आएगा जो मैंने अभी लिखा। कॉर्ड ए बी का अगर आप स्लोप लिखना चाहोगे, स्लोप ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू नथिंग बट एफ बी माइनस एफ ए। स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, सो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन बी माइनस ए। सो बेसिकली स्लोप स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या, यही तो आपका बराबर हो रहा है एफ डैश सी के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे और भी ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो इस स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे आपने एक पॉइंट खींचा, सॉरी मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, आप अगर इस पॉइंट के पीछे एक एक लाइन खींचो, देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट थोड़ा सा और नीचे से जाएगा, एक लाइन सॉरी एक पॉइंट आपको ये मिल गया, पी वन पॉइंट मिल गया, ये देखिए ये सारे की सारे लाइंस क्या आपके पैरेलल है कॉर्ड ए बी के। तो कॉर्ड ए बी का, और हमें पता है पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पर स्लोप क्या होगा, आपके कॉर्ड ए बी लाइन के स्लोप के बराबर होगा। सो उन्हीं स्लोप के पॉइंट्स को इसीलिए लाग्रांज मैंने बोले थ्योरम कहता है, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इसके बराबर होगा। बट ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी वन पॉइंट पी टू एंड पॉइंट पी थ्री, जो आपके क्या है पैरेलल है कॉर्ड ए बी के, और जिन सभी का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो क्लियर है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, क्लियर है आपको, ठीक है ओके। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और इस तरह का मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास आता है, वो है आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अभी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, अभी तक आपने क्या देखा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व था रेडी एफ एक्स। अब सपोज करते हैं अगर आपके पास दो कर्व आ जाते हैं, तब आपके लिए जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। सो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपका सी पॉइंट, दैट इज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अभी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था कि कोई फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी इंटरवल में, और आपका वो भी होना चाहिए, क्या कहते हैं, डिफरेंशियबल होना चाहिए उसके ओपन इंटरवल में। वही कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं कि सपोज करते हैं आपके पास दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है, तो एफ एक्स एंड जी एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशियबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और यहाँ पे एक और चीज जरूरी है कि जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब हम एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे जो हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, तो लिखते हैं अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफाइंड एज फर्स्ट वन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, सेकेंड एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, थर्ड जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल ए कॉमा बी। तो अगर ऐसा होता है देन देयर एग्जिस्ट्स
देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यूज वन वैल्यू सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट, एक वैल्यू वन ए कॉमा बी होगा सच दैट एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी बराबर होगा आपका किसके, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए के। तो ध्यान रखेंगे इसके ऊपर बहुत रेयरली अभी तक एक क्वेश्चन आया है गेट 2018 में आई थिंक, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर भी। आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी मैंने बता दिया। तो ये तीन तरीके अपने मीन वैल्यू थ्योरम है, जो बेसिकली पहला आपका एप्लीकेशन भी है किसका, डेरिवेटिव्स का। तीनों थ्योरम आपके क्या क्या कहते हैं, तीन थ्योरम कहता है पहला कहता सॉरी, तो हमारे ये तीनों थ्योरम है जो मैंने आपको बताए, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या क्या कहते हैं, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर आपको कोई फंक्शन एफएक्स है सच दैट, किस तरीके से सच दैट है कि अगर सपोज करते हैं जो भी आपका फंक्शन गिवन है, जो भी आपका फंक्शन गिवन है वो क्या हुआ आपका, वो लाई करता है किसके अंदर, वो लाई करता है आपका ए कमा बी के इंटरवल के अंदर, और अगर वो क्या है कंटिन्यूअस है डिफरेंशियबल है और फंक्शन की वैल्यू एफ बी और एफ ए के बराबर है, वहां पे एक पॉइंट सी लाई करेगा सच दैट उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा हमने देखा था कि अगर सपोज करते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, सेम कंडीशन होगी बट यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यहाँ पे एफ बी की वैल्यू एफ ए के बराबर नहीं होगी। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम सॉरी रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम का आपका स्पेशल टाइप है किसका, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। कब होगा वो, जब एफ बी माइनस एफ ए क्या होगा आपका जीरो के बराबर होगा, मतलब कि एफ बी इक्वल टू एफ ए होगा। तो रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम एक स्पेशल टाइप है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। बट सपोज करते हैं अगर आपके पास दो फंक्शन है जी एक्स एंड एफ एक्स, तो उस केस में आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा, जिसकी कंडीशन आपकी क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन ए एंड बी, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियबल इन ए एंड बी, एंड जी एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, देन एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी सी जो ए कॉमा बी में लाई करेगी जिसमें एफ डैश सी बाई जी डैश सी की वैल्यू ये होगी। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या क्या होता है। अच्छा एक चीज और, क्यों मैंने इसको बोला इसकी जरूर ये एक एप्लीकेशन है, सो इसका हम जरूरत कहाँ पे यूज करेंगे, अभी आगे एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जस्ट आपका कुछ प्रॉब्लम्स के बाद, जिसमें आपकी बात आएगी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, तो उन सारी चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि आपका क्या नाम है लॉग्रांजिक मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। सो लॉग्रांजिक मीन वैल्यू थ्योरम की अगर एप्लीकेशन से पहले मैं बात करूं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए क्या क्या आपको वहां से चीजें मिल सकती हैं। सो ये अभी मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आज के ही लेक्चर में। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सॉरी सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। किसमें से, आपके मीन वैल्यू थ्योरम से, तो मीन वैल्यू थ्योरम को मैं एमवीटी लिख दिया हूँ ठीक है। चलिए सो पहला पॉइंट क्या कहता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम से, पहला पॉइंट कहता है आपका कि सपोज करते हैं अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स बी सच दैट एफ डैश एक्स क्या है जीरो है थ्रू आउट द इंटरवल। ध्यान रखेंगे सपोज करते हैं इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, एफ एक्स इज सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो थ्रू आउट द गिवन इंटरवल, थ्रू आउट द गिवन इंटरवल। अब आप खुद सोच लो, अगर सपोज करो मैंने कहा कोई इंटरवल कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो बिलोंग करता है आपका क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी में, और सच दैट एफ डैश एक्स क्या है जीरो है इस सारी वैल्यूज में जहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी ए कॉमा बी के बीच में बिलोंग करती है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। एफ एक्स क्या होगा आपका एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। सो थ्रू आउट द गिवन इंटरवल देन देन द फंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्लियर है।
ठीक है चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है नेक्स्ट, इस विषय आपका दूसरा पॉइंट क्या आता है, पॉइंट बी। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि सपोज करो अभी आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास क्या है दो फंक्शन है, किस तरीके से सपोज करते हैं, इफ अ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बी सच डैट कुछ इस तरीके से है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स है, कब, थ्रू आउट द इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल है ए कमा बी में, थ्रू आउट द इंटरवल ए कमा बी, थ्रू आउट द इंटरवल ए कॉमा बी। तो अगर ऐसा, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट का अंतर है, ध्यान रखेंगे इसका अंतर है कांस्टेंट का अंतर है, देन दिस इंप्लाइज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। सो एफ एक्स एंड जी एक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक और पॉइंट जो हमें मिला यहां से, तीसरा डिडक्शन जो हम यहां से निकाल सकते हैं वो ये है कि सपोज करते हैं अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स है, इफ एफ डैश एक्स इज, ये पॉइंट मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वहां पे मैं डील करता दिखाई दूंगा आपको। इफ एफ डैश एक्स इज, पहला इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है किसमें, आपका क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी है। दूसरा इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, देन, और तीसरा तीसरा एफ डैश एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं, तीसरा तीसरा क्या है, अगर सपोज करो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, कहां पर, जहां पर एक्स की वैल्यू बी और ए के बीच में लाई करती है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि आपका फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान रखिए। दिस इंप्लाइज, मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी। वहीं सपोज करो अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स क्या होगा आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। सो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये कैसे आई, इसका क्या मतलब होता है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस आउट करते रहेंगे, क्लियर है, या नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके चलिए, सो अभी हम क्या करते हैं, जो भी गेट में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं इसका, आपका मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, उन्हें हम सॉल्व आउट करके देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही रेयरली इससे क्वेश्चन आता है मीन वैल्यू थ्योरम से, तो थोड़े बहुत आपका और भी जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जो आ सकते हैं कभी, जो अभी तक नहीं आए उन्हें भी मैं यहाँ पे डिस्कस आउट कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन आया, आपका पहला क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ये रखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 4x इन द इंटरवल -2, 2 सेटिस्फाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। अभी आपको ऑप्शंस दिए थे यहाँ पे, पहला ऑप्शन था 2/√3,
दूसरा ऑप्शन आपको दिया था यहाँ पे -2/√3, तीसरा ऑप्शन आपको दिया था +-2/√3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया था -3। चलिए अब इसमें से हमें ये नहीं पता है कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। सबसे पहले हमने फंक्शन को देखा, f(x)-3x-4x। अब देखिए एक चीज, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये कभी भी क्या है, ये एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, ना तो रैशनल है ना ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा है, तो ये हमेशा का हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा, तो पहली दो प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए जरा देखते हैं क्या FB=FA है क्या। FB मतलब f(2) कितना हो जाएगा, 2³ - 4 × 2 8 - 8 0, एंड एफ ए आपका कितना होगा जरा देख लेते हैं, -2³ - 4 × -2, सो -2³ = -8 +8, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 0। इसका मतलब क्या आ रहा है, FA=FB आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इंप्लाइज FX सेटिस्फाइज क्या, कौन सी इक्वेशन, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो अगर रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या, एक सी लाई करेगा किस तरीके से, जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सो एफ डैश एक्स चाहिए। चलिए आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, सो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, चलिए एफ एक्स क्या था आपका x³ था, x³ - 4x, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² भी आपको पता है कैसे डिफरेंशिएट करना है, -4x का डिफरेंशिएशन -4, सो एफ डैश सी अकॉर्डिंग टू रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम f(c)=0 होगा, दिस इंप्लाइज 3c²-4=0, और 3c² = 4, c²= 4/3, सो c=±2/√3, राइट। अच्छा अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप +-2/√3 आपके उस वैल्यूज में लाई करेगा कि नहीं, क्योंकि c आपका कहाँ से कहाँ होता है, c लाइज बिटवीन ओपन ब्रैकेट a टू b। अब a क्या है आपका -2, b क्या है आपका 2, तो अब आपको क्या है √3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, √3 आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा √3, 1 point something होता है, 1 point आपका ले लो, अगर आप देखोगे √3, सो अगर आप 2/√3 ऐसे आप चाहो तो निकाल सकते हो, 2/√3 आप निकाल लो कैलकुलेटर में डाल के, 2/√3 आपका आता है -1.15 से लेके +1.15 के बीच में लाई करेगा, तो ये दोनों वैल्यूज के अंदर लाई कर रही है, इसके मतलब आपको दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे ऐसी, जहां पर एफ डेस सी क्या होगा 0 होगा, सो आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है क्लियर है, आप सॉल्व आउट कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन जो गेट में आया उसको भी देख लेते हैं, देख लेते हैं उसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन जो गेट में आ सकता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी FX is equal to x² + ab ((x)) a + b फॉर एवरी a > 0 b > 0 फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा ऑप्शन आपको यहां पे दिए हुए थे √ab, -√ab, +-√ab, सिंपल ही। चलिए देखते हैं, अब इन्होंने पहले ही बोल दिया रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो सी क्या होगा, f(c)=0। चलिए एफ डैश सी निकालेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगाना। सो डिवीजन रूल कैसे लगाते हो, सो फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये हो जाएगा x into a + b into 2x -
एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, राइट, ए आएगा ऊपर, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एफ डैश सी रखना है, ठीक है, सॉरी, सो एफ डैश सी, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे आप सी रख दो, सो जगह सी इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू टू सी माइनस टू सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से देखिए हो गया टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस टू सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट, यहाँ पे टू सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और सॉरी, सो एक्स स्क्वायर है तो ये टू हट जाएगा आपका यहाँ से, और ये भी टू आपका हट जाएगा यहाँ से, राइट। चलिए, सो और अभी आप ए प्लस बी कॉमन ले लो तो अंदर बचता है टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज इक्वल टू 0, सो और टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज नथिंग बट सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। अब जब लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, अब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सी भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब सी इज इक्वल टू आपको माइनस ए बी, अभी आप नहीं ले सकते, आपका आंसर क्या होगा, सी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन में, जब भी मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन में दोनों दे रखा है, प्लस माइनस रूट ए बी और रूट ए बी भी। अब आप क्या करोगे, अगर रूट ए प्लस माइनस को लगा क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है, ए बी रूट ऑफ ए बी, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, और मीन वैल्यू थ्योरम में कंडीशन होती है सी कहां पे लाई करेगा, हमेशा बी और ए के बीच में लाई करेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको जो गेट में आया है उस टाइप का देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इन द इंटरवल 0, -4, 0, +4, सॉरी, सेटिस्फाइज दी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है आपको, यहाँ पे दिया आपको 3.154 -0.84, ऑप्शन बी दिया है आपको -3.154 -0.84, ऑप्शन सी दिया है आपको 3.154 0.84, ऑप्शन डी दिया है आपको -3.154 0.84, सो ये आपके पास ऑप्शन है। चलो इसको अभी आपको सॉल्व करना है, तो अभी हमें फिर से ये नहीं पता है कि ये कौन सा फंक्शन कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, बट एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, देखिए एलएमवीटी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एक स्पेशल टाइप है एलएमवीटी का, बट आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो एफए और एफबी निकाल के, और एफए एफबी निकालना चाहो तो एफए एफबी निकाल सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू 0 है तो एफए क्या हो जाएगा आपका, जरा देखो एफ ए इज इक्वल टू एफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6, एफ बी क्या है आपका एफ ऑफ फोर आपको निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ फोर आपका क्या हो जाएगा, चलिए एफ ऑफ फोर आप निकाल लो, एफ ऑफ फोर इज 4 का क्यूब -6 × 4 का स्क्वायर प्लस 11 × 4 - 6, 4 का क्यूब आपका 64 -24, सॉरी 4 16 16 16 × 6 आपका क्या हो जाएगा 96 प्लस 44 - 6, सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सो दिस इज आपका 108, 108 -102 इट इज कमिंग आउट टू बी 6, एंड सो दिस इम्प्लाइज एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए, अगर एफ बी एफ ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका ये रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम को नहीं सिर्फ और सिर्फ एलएमवीटी को सेटिस्फाई करेगा, अगर एलएमवीटी को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी किसके बराबर होगा, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी आपका बराबर किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, चलिए एफ डैश एक्स निकाल लेंगे पहले, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन,
एक्स क्यूब डिफरेंस 3x² माइनस आपका 6x² है, 12x हो जाएगा, प्लस 11x है तो प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 6 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 11। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका हो गया 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ पी। अभी आपने निकाला था, एफ पी कितना आ रहा था आपका, 6 आ रहा था, माइनस एफ आ रहा था आपका माइनस 6, सो माइनस ऑफ 6 डेड बी आपका 4 माइनस 0, सो इट इज इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 6 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, सो इट इज, और 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दिस इज नथिंग बट 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में डाल के, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट आ जाएगा यहाँ से, थ्री सी, 3c² सी स्क्वायर का 3, 12 एंड 8, सो सी इज इक्वल टू आपका आ रहा है 3.154 एंड 0.84। सो ये दोनों की दोनों वैल्यूज कहाँ है आपकी, सी 4 से छोटी और 0 से बड़ी है, सो ये दोनों वैल्यूज आपको उठानी पड़ेंगी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस वजह से, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट दोनों 18 का आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन आया आपको गेट दोनों 18 में, क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी सच डैट इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन दिए थे यहां पे, पहला ए एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, ऑप्शन बी दिया था आपको एफ डैश बी इंटू सी माइनस ए, ऑप्शन सी दिया था आपको एफ डैश ए इंटू बी माइनस सी, एंड ऑप्शन डी दिया था आपको 0। अब ये आपके पास गेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई फंक्शन है, ऑलरेडी उन्होंने बोला है कंटिन्यूअस है ए कमा बी में। ओके चलिए, सो अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम लेते हैं जनरल जो आपका इक्वेशन है एक फंक्शन के लिए, वो होता है आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अच्छा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एफ डैश सी इन इन द ब्रैकेट, सॉरी एफ डैश सी डिनोमिनेटर को अभी साइड ले आओ, तो आपका आ जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। सो आपको एक बेसिक इंटीग्रेशन पता होगा, एफ बी माइनस एफ ए इज नथिंग बट वॉट, इट इज समथिंग ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर ए रेज टू बी, और यही तो क्या है आपका इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या आ गया आपका, एफ डैश सी बी माइनस ए आ गया। तो इस तरीके का एक गेट में क्वेश्चन आया था गेट 2018 में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो आप फटाफट इसको लगा सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं जो आपके मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रैनिज मीन वैल्यू थ्योरम या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूटिलाइजेशन करोगे, चलिए देख लेते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन है आपको निकालना है फाइंड सी, गेट में आया नहीं है बट मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता तो आप कैसे करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू उसमें दिया था रूट ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया था 1/√x, आपको निकालना है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, अब सीधी सी बात है, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होगा, जी एक्स कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, जी एक्स आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा जब एक्स की वैल्यू 0 ना हो। तो हमारा एक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। चलिए, तो हमारा एफ डैश सी होता है क्या, एफ डैश सी आपका होता है एफ एफ डैश सी डिवाइड बाई जी डैश सी आपका होता है एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए, यही तो होता है राइट। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमारा बता दीजिए, यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। जी डैश एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 -1/2 एक्स रूट एक्स, प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब आपको ये सारी वैल्यू जिसमें पुट अप करनी पड़ेगी। चलिए सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो एफ डैश सी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा 1/2 रूट सी। आपका जी डैश सी क्या हो जाएगा आपका, माई 1 -1/2 सी रूट सी आपका हो जाएगा। सो आपको ये पुट अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट सी डिवाइड बाई -1 होल डिवाइड बाई 2 सी रूट सी। दिस इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी वॉट रूट बी माइनस रूट ए डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए, 1/√x होता है, 1/√b 1 -1/√a, राइट। 2 से 2 कट गया, रूट सी से रूट सी कट गया, राइट। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो आपको वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू आपको मिल रहा है √b - √a, ये नीचे हो जाएगा आपका √a - √b होल डिवाइडेड बाई √ab, और आप सी इज इक्वल टू लिख सकते हो √ab * मैं माइनस को इधर भेज दिया तो √a - √b / √a - √b, दिस इज कैंसिल्ड आउट, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू व्हाट, √ a। सो अगर आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपका क्या होता है, लैग्रैनी मीन वैल्यू थ्योरम क्या ऐसा होता है, और उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं रॉले मीन वैल्यू थ्योरम, और ये भी आपने देखिए रॉले मीन वैल्यू थ्योरम आप क्या है, एक स्पेशल टाइप है किसका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, क्लियर है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इसमें, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी टेलर्स एंड मैकलरन सीरीज। आज की नेक्स्ट टॉपिक है आपकी, एप्लीकेशन को आगे जाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, टेलर्स एंड मैकलरन सीरीज और पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है आज के लिए वो है टेलर एंड मैकलरन सीरीज, टेलर एंड मैकलरन सीरीज। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेलर एंड मैकलरन सीरीज की। सो अगर सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, किस तरीके से सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है fx, एक फंक्शन fx है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव n-1 डेरिवेटिव है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन fx है एंड n-1 डेरिवेटिव्स हैं, और ये सारे के सारे जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं ये सारे के सारे आपको कैसे हों, कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस इन, आपका एक कोई ब्रैकेट मैंने मान लिया, एक इंटरवल मान लिया ए प्लस एच में, उसमें ये आपके कंटिन्यूअस हूं। दूसरा, फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है, दूसरा पॉइंट, जो फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव मतलब कल मैंने आपको बताया था फंक्शन का nth डेरिवेटिव एफ एन एक्स, ये भी क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आपका जो ब्रैकेट है ए प्लस एच के बीच में, देन कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा, देन देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन नंबर सच डैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच प्लस प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 एच रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इंटू
एफ एन ई प्लस ई प्लस ई प्लस, यहाँ पे ए हो गया, एफ डैश ई हो गया, एफ डबल डैश ई हो गया, एफ ई प्लस थीटा एच में, जहां पे ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो वैल्यू बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं, लैग्रेंजिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं आपका कोई फंक्शन है, सपोज करते हैं आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, सपोज लेट जी एक्स भी आपके पास फंक्शन है, किस तरीके से, इट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एक्स, एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पीछे लिख लेते हैं, होल स्क्वायर लिखा था ना, हाँ लिखा था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन, लास्ट में आपका आ जाएगा ए प्लस एच माइनस एक्स बाई का होल एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू 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 अ कॉन्स्टेंट समथिंग अ वैल्यू के, ठीक है ठीक है। तो दिस इंप्लाइज वेयर, यहां पे आपका के की वैल्यू क्या है, वेयर के इज नथिंग बट के इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए सो ऑन एच रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल के। सो के को हमको इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सपोज करते हैं अब आपका ये जो आपका फंक्शन होगा एफ एक्स, जितने भी आपके फंक्शन होंगे एफ एक्स, उसका एन वन टाइम डिफरेंशिएशन, टू टाइम डिफरेंशिएशन, एन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, किसमें, इंटरवल में। नाउ ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डॉट डॉट एफ एन माइनस वन एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किसमें, जो आपने इंटरवल लिया ए से ए प्लस एच के बीच में। और एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी डैश एक्स, जो हमने जी एक्स माना था, किस तरीके से, जो बराबर होगा किसके, जो बराबर होगा आपका ए प्लस एच माइनस एक्स इन द ब्रैकेट एन माइनस वन के डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन एक्स माइनस के के, राइट। और एक और भी चीज होगी आपके पास कि जो फंक्शन जी था उसकी वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस एच के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये जो हमारे फंक्शन लिखा है वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है, ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, दिस इंप्लाइज दिस सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम। और अगर ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जहां पर आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपकी वैल्यूज क्या होगी, एफ डैश जो आपका जी डैश एक्स था वो 0 के बराबर होगा। सो अगर जी डैश एक्स 0 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो देखिए, तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन की बात हो गई कि टेलर एंड मैकलरन सीरीज में हमने क्या माना कि आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड एफ एन माइनस वन, का जो एफ एक्स का डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है और फंक्शन का एनर्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो उस केसेज में आपके पास जो फंक्शन आएंगे, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, सो वो सारे की सारी क्या होंगे, आपकी कंटिन्यूअस होंगी, जहां पे आपका रिमाइंडर ये होगा, तो ये क्या करेगा, आपका रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है, सो लेट अब मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 एंड एच इज इक्वल टू एक्स, जो आपका फंक्शन एफ एक्स था वो रिड्यूस कर देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस सो ऑन एक्स रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एफ एन 0। ये आपको कहां पे आया, आपको ये वैल्यू पुटअप कहां पे करनी है, ये आपको पुटअप करनी है इन इक्वेशन, आपको इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर देनी है, जो पहली वाली आपकी इक्वेशन रखी हुई थी मैंने, जहां पे आपका ये वाली जो इक्वेशन है कहां गई, सॉरी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपने पुट अप कर देनी है, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी।
ठीक है, पहले वाली क्वेश्चन में आपने पुट अप कर दिया तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। ये जो पहली क्वेश्चन मैंने लिखी थी पहले पेज पे, ये वाली क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन बन के आई, ये जो आपकी इक्वेशन बन के, यही आपके काम की इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज ओनली नोन एज मैकलारन सीरीज, इक्वेशंस फॉर मैकलारन सीरीज। वही टेलर सीरीज की इक्वेशन क्या होती है, देखिए चलिए टेलर सीरीज की भी इक्वेशन लिख देते हैं। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज मैकलारन सीरीज इक्वेशन। यही आपकी किसकी इक्वेशन है, यही आपकी इक्वेशन है, सॉरी, यही आपकी इक्वेशन है मैकलारन सीरीज की। वही वही अभी आपने क्या किया था, देखिए अब आपने क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू आपने रखा था ए प्लस एच रखा था, राइट। एच की वैल्यू यहां से क्या होगी आपकी, एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स माइनस ए। सो आप क्या करिए, ये जो वैल्यू जो आपने रखी, ये इक्वेशन वन में पुट अप कर दिए, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन आपकी कौन सी, ये वाली सबसे पहले पेज पे लिखी हुई, दिस वन इक्वेशन। अगर आप ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर पुट अप करते, देखिए आपके पास क्या मिलता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखिए। एच की वैल्यू आपको एक्स माइनस ए पुट अप करनी है तो आपको मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस, और आप पुट अप करो यही एफ डैश एच है पहले, तो एच की वैल्यू हो गई एक्स माइनस ए डिवाइड बाई फैक्टोरियल वन एफ डैश ए। सिमिलरली दूसरा आएगा आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन। लास्ट में आएगा आपका एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन। सो ये जो आपकी इक्वेशन बनती है, इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हो, अपनी टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोलते हो। इस एक्सपेंशन इज ओनली नोन एज टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो बेसिकली क्या है, अगर ए की वैल्यू अगर आप 0 पुट अप कर देते हो, तो वही तो इक्वेशन आपकी बन रही है, किसकी, वही इक्वेशन आपकी बन जा रही है मैकलारन सीरीज की। इसका मतलब मैकलारन सीरीज क्या है, एक स्पेशल टाइप है किसका, टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। तो दिस इज आपका टेलर सीरीज है। सो टेलर सीरीज और मैकलारन सीरीज क्लियर है क्या होता है, टेलर सीरीज एंड मैकलारन सीरीज। तो अगर आप एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हो, हाँ आप सॉरी ए इक्वल 0 के लिए आप सॉल्व करते हो, देन आपका जो इक्वेशन बनती है इसी को आप क्या कहते हो, आप मैकलारन सीरीज बोलते हो, ठीक है। चलिए इसके ऊपर जो गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको एक्सपेंशन करवाए थे स्टार्टिंग में, अगर याद करो फर्स्ट क्लास में, जैसे मैंने ई की पावर एक्स का आपको एक्सपेंशन लिखवाया था, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखवाया था, मैंने बोला था कि वो इन्हीं से आए हुए हैं, उनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के फॉर्म में जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, कि अगर आपको सपोज करते हैं ई की पावर एक्स का अगर आपको एक्सपेंशन करना है अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए कैसे करेंगे, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आपका एक्सपेंशन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्सपेंशन है एफ ए प्लस हाँ एक्स माइनस ए बाई फैक्टोरियल वन एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन ए, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो अब यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वो ई रेज टू पावर एक्स होगा, ए की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, सो आपको एक्सपेंशन निकालना। तो एफ ए क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 0 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई फैक्टोरियल वन ई रेज टू पावर 0 का एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन आपका ई रेज टू पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आता है, राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस एक्स माइनस 0 बाई फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर 0 प्लस सो ऑन। लास्ट में भी अगर आप चलोगे सो ऑन करते हुए, तो एक्स माइनस 0 होल टू पावर एन फैक्टोरियल एन ई टू पावर 0 ही होगा। सो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या मिल रही है, आपको पहली वैल्यू मिल रही है 1, सो 1 प्लस यहाँ आपको मिला है एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस फिर आपको मिला एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, को ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, सिमिलरली आपका आएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एक्स रेस्ट टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स। यही अगर आप देखोगे जो मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर लिया है, इसमें मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाई है,
उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने यही एक्सपेंशन आपको ई की पावर एक्स का लिखवाया है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एक्सपेंशन निकाल सकते हो किसी भी फंक्शंस का जो मैंने वहां पे आपको लिमिट्स के थ्रू करवाया था, राइट। लिमिट्स मैंने करवाया था, ठीक है। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन या इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन जो है ये आया आपका गेट 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इनफाइनाइट सीरीज द इनफाइनाइट सीरीज 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करस्पॉन्ड्स टू, ये किसको करस्पॉन्ड्स करती है। पहला ऑप्शन दिया था आपको sec x, ऑप्शन बी दिया है आपको cos x, ऑप्शन सी दिया है आपको e^x, ऑप्शन डी दिया था आपको sin x। तो देखिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया e^x की डिफरेंस एक्सपेंशन है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, सो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया e^x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आज की टॉप क्लास का इस टॉपिक का क्वेश्चन है। इन दी ये क्वेश्चन हमारा आपका गेट 2008 का क्वेश्चन है। इन दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन दी टेलर सीरीज एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ e^x अबाउट x इज इक्वल टू 2 द कोफिशियंट ऑफ x-2^4 इज, आपको ऑप्शन दिए थे इन्होंने। पहला ऑप्शन दिया था 1/4 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी दिया था आपको 2^4 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी दिया आपको e^2/4 फैक्टोरियल एंड ऑप्शन डी दिया आपको e^4/4 फैक्टोरियल। सो ये आपको ऑप्शंस गिवन है, राइट। चलिए इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की मदद से आपको e की पावर एक्स का एक्सपेंशन करना है अबाउट एक्स इक्वल टू 2, जहां पे कोफिशिएंट दिया है x-2^4 का निकालना है। देखिए आपको आपको कभी भी ये निकालना है, क्या कहते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट निकालना होगा तो आप कोफिशिएंट कैसे निकालोगे समझिएगा। तो देखिए अगर आपको किसी भी फंक्शन का कोफिशिएंट निकालना, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। सो एफ एक्स इन दी नाइबरहुड ऑफ ए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इस तरह से, पूरा एक्सपेंशन ना करके डायरेक्टली नाइबरहुड ऑफ ए में अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 to infinity बी एन x-a^n वेयर वेयर बी एन इज इक्वल टू एन टाइम डेरिवेटिव इनटू ए आर डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो जरा देखिए अब आपको क्या करना है, किसके लिए करना है, आपको करना है x-2^4, इसका मतलब क्या है, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किया सो एन इज इक्वल टू 4 के लिए आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सो फॉर एन इज इक्वल टू 4, सो एन इज इक्वल टू 4 का मतलब सबसे पहले आपको तो डिफरेंशिएशन निकालना है 4 बार। सो आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि फंक्शन आपका e की पावर x का है, क्वेश्चन में दिया e की पावर x का, e की पावर x का आप जितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर लो, n टाइम से भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको e की पावर x ही मिलेगा। तो इसका मतलब आपको 2 के लिए सॉल्व करना है, तो f^4 of 2 = e^2। कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है आपको। चलिए तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा आपका, कोफिशियंट ऑफ x-2^4 = नथिंग बट f^4 2/4 फैक्टोरियल, सो इट इज इक्वल टू e^2/4 फैक्टोरियल, सिंपल। सो आंसर इज डी, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट में आया है, क्वेश्चन आया है आपका गेट 2007 में, 1 मार्क क्वेश्चन है इस टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फंक्शन e^-x द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड
एक्स इक्वल टू टू इज, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 3 माइनस एक्स, ई रेज टू पावर -2, 1 माइनस एक्स, 3 प्लस 2 रूट 2, -1 प्लस रूट 2, एक्स ई रेज टू पावर -2, एंड ऑप्शन डी दिया है आपको, ई रेज टू पावर -2। चलिए इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे आप इसको, तो देखिए अब आपके पास एक उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। तो सबसे पहले आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पहले दो टर्म है। तो सबसे पहले तो आपका एफ एक्स होगा क्या, टेलर से एक्सपेंशन से मैं लगा रहता हूँ, एक्स इक्वल टू टू सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, f2 + x - 2/2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल f'2 + x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल f" 2 प्लस। बट इन्होंने क्या किया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन पूछे, तो पहला दो टर्म आप ले लो, f2 क्या हो जाएगा, e^-2 + x - 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, तो 1 ही रह गया। f'2 क्या हो जाएगा, e^-2। क्यों, क्योंकि f'(e^x) क्या होता है, ये हो जाएगा आपका e^-x/-1, सॉरी (-1) हो जाएगा, (-1) हो जाएगा, e^-x (-1), तो e^-2 और इनटू यहाँ पे क्या जाएगा आपका, e^-2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया e^-2 कॉमन आ गया आपका, तो 1 - x - 2, सो इट इज इक्वल टू e^-2 जाएगा 3 - x। सो करेक्ट आंसर इज ए, इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जो भी गेट में आए हुए हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन आया आपके पास गेट 2008 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छी क्लास का। इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू पाई, द कोएफिशिएंट ऑफ, द कोएफिशिएंट ऑफ x-π का होल स्क्वायर इज, आपको ऑप्शंस दिए थे यहाँ पे, e^π, 0.5 e^5, e^π+1 एंड e^π-1। सो दिस इज अ क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए सो आपको कोफिशियंट्स निकालने हैं। चलिए सॉल्यूशन आपको किसका किसका कोफिशिएंट निकालना है, e टू रेस्ट पावर x का निकालना है, साइन x का निकालना है। चलिए सो सबसे पहले तो f'(x) ऑफ e रेस्ट पावर x निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका e रेस्ट टू पावर x फॉर e x, और मैं एक फंक्शन g x मानता हूँ, तो g डैश x इज इक्वल टू g x को मैंने साइन x मान लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा आपका cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया, cos x, राइट। सो हमें आपको x रेस्ट टू पावर x रेस्ट इक्वल टू पाई का कोफिशिएंट निकालना है जब x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो देखते हैं जनरली आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेंशन हम लिखना चाहें, फंक्शन लिखे हैं एफ एक्स का, तो हो जाएगा एफ ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस पाई एफ डैश पाई प्लस एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f" पाई। तो हमें तो यही निकालना है, एंड सो वन आपका चलता रहेगा, राइट। तो आपको तो ये वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो हमें अब हम देखा कि ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये कोफिशिएंट आपको निकालना है यहाँ पे, राइट। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो आपका कोफिशिएंट है किसका, एक्स माइनस पाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा आपका f" पाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो पहला फॉर ई रेज टू पावर एक्स के लिए हो जाएगा f" पाई बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर पाई बाई 2 फैक्टोरियल, सो ई रेज टू पावर बाई पाई टू बाई 2, डेट इज इक्वल टू 0.5 ई रेज टू पावर पाई। दूसरा आपका इसमें एक और फंक्शन दे रखा है इन्होंने, साइन एक्स दे रखा है। चलिए तो f" पाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, वाट इज f"पाई, तो सबसे पहले साइन एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन आपका आता है
कॉस एक्स, फिर आप आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ पाई और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो कोफिशिएंट क्या हो गया दोनों का मिला के 0.5 ई की पावर पाई प्लस 0, सो आवर आंसर इज 0.5 ई रेज टू पावर पाई। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व आउट करना आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। एक और क्वेश्चन देख लेंगे, एक और क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है गेट में वो ये आया है। जैसे सपोज करते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आई थिंक आज की क्लास का 5th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5th आज की टॉपिक का। तो 5th क्वेश्चन आज की क्लास का ये है, क्वेश्चन दिया था इन्होंने आपको कि गेट 2014 का है, गेट 2014 में आपसे पूछा था टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछा हुआ इन्होंने, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ गेट 2014 का है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x एट x इज इक्वल टू 0 इज कैलकुलेटेड, द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज, ये आपसे कोएफिशिएंट इसमें ने पूछा हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम वैसे तरीका होगा। सबसे पहले तो आप एक्सपेंशन लिख लो टेलर सीरीज का, एफ ऑफ 0 के बेसिस पे हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस। सो आपको कोइफिशियंट निकालना है x³ का, तो कोइफिशियंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, सीधे कोइफिशियंट ऑफ x³ क्या होगा यहाँ पे, वो होगा एफ ट्रिपल डैश 0 बाई 3 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब आपको साइन एक्स, 3 sin x का 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 cos x का 3 बार डिफरेंशिएशन। चलिए पहले आप निकालते हो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 इन द ब्रैकेट माइनस साइन एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करो। एफ डबल एक्स क्या हो जाएगा आपका -3 sin x -2 cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है। एफ ट्रिपल एक्स एक्स अब निकालो, एफ ट्रिपल एक्स -3 cos x प्लस 2 sin x, राइट। चलिए सो अब आपको निकालना क्या है, एफ ट्रिपल डैश 0 निकालना। सो एफ ट्रिपल डैश 0 -3 cos 0 * 1, cos 0 होता है 1 प्लस 2 sin 0 क्या होता है 0, तो आपका क्या क्या वैल्यू -3। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से, कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका -3 / 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 * 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1/2, सो योर आंसर इज -0.5, योर आंसर इज -0.5। तो इस तरीके से आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो आया है, क्वेश्चन गेट 2016 में, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक का ये है, द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ, फंक्शन दिया है आपको x³ - 3x² - 5 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन गिवन थे आपको। पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 3x² - 6x - 5, ऑप्शन बी दिया है आपको -3x² - 6x + 5, ऑप्शन सी दिया है आपको 3x² + 6x - 5 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको -3x² - 5। चलिए तो इसको आपको सॉल्व करना है। देख क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको डुअल डिग्री तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0 के लिए सॉल्व करना है। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एफ ऑफ 0 प्लस x - 0 बाई 2 फैक्टोरियल सॉरी 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, तो आपको यहां तक सॉल्व करना है। चलिए तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए आप सबसे पहले, एफ डैश एक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3x² - 2 से 6x, एंड एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डबल डैश हो जाएगा
6 माइनस 6, चलिए। सो एफ डैश जीरो निकालोगे तो आप जीरो आ जाएगा, एफ डबल डैश जीरो निकालोगे तो आपका आ रहा है माइनस 6, तो आपको वैल्यू पुट अप, और एफ जीरो निकालोगे एफ जीरो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5, और वैल्यू पुट अप कर दो सो एफ जीरो हो गया माइनस ऑफ 5 प्लस, एफ जीरो हो गया माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो जीरो ही है, तो ये खत्म हो गया पूरी कहानी, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू टू इंटू माइनस 6, सो एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 6 राइट, सो एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू माइनस ऑफ 6, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, सो योर आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आए हुए गेट में आप सॉल्व आउट करके आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है? ठीक है, ठीक। सो ये आपकी टॉपिक थी टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, और जो मैंने आपको बोला था कि जो किसी भी जिसकी मदद से आपने क्या कर सकते हो, किसी भी चीजों का आप एक्सपेंशन निकाल सकते हो, तो ये आपके पास टेलर सीरीज की एक्सपेंशन है, ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज की। आपने पाया कि मैक्लॉरिन सीरीज बेसिकली क्या है, टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल टाइप है, जहां पे आपने क्या किया जब ए इक्वल टू जीरो पुट अप कर दिया और एच इक्वल टू एक्स पुट अप कर दिया, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है, क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे आपको सफिशियंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो गेट में आए हुए हैं वो करवा दिए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक बिफोर एप्लीकेशन से पहले एक और टॉपिक जो आती है वो है आपकी, वो है पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव्स। पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव क्या है, कल अभी हमने हम क्या देखा था, हमने देखा था आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, आपके पास पार्शियल टोटल डेरिवेटिव सॉरी डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, आपका फंक्शन कैसा होता था, एक वेरिएबल होता था उसके अंदर, तो आप क्या करते थे सिर्फ टोटल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते थे। बट अभी क्या होगा, आपके पास मोर देन वन डिफरेंस, मोर देन वन वेरिएबल होगा, मोर देन वेरिएबल पे कहने का मतलब, जैसे सपोज करते हैं आपके पास क्या हो, सपोज जैसे आपके पास मान लेते हैं फंक्शन हो, मान लेते हैं आपके पास फंक्शन ऐसे कुछ आपको दे देगा, जैसे मान लेते हैं वाई एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मान लेते हैं एक्स रेस टू पावर वाई दे दिया, ठीक। सो अब इस केस में आपके पास दो वेरिएबल्स, मान लेते हैं एक फंक्शन तो ये था, तो आप इसको एक्स नहीं लिख सकते हो सॉरी, इसको आप डिलीट कर दो यहाँ पे। मान लेते पास आपके पास फंक्शन जेड है, जेड एक फंक्शन है आपका एक्स और वाई का, जेड आपका एक और फंक्शन मान सकते हो आप यू मान सकते हो, वो फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, तो तीन तीन वेरिएबल आ गए। जब दो या तीन वेरिएबल आते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करते हो, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो डेल जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, डेल यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकते हो, आप डेल यू विद रेस्पेक्ट टू वाई निकाल सकते हो, आप डेल यू विद रेस्पेक्ट टू जेड निकाल सकते हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप सिर्फ एक वेरिएबल को वेरिएबल कंसिडर करके बाकी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, इस टाइप के डिफरेंशिएशन को आप क्या कहते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हो, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, तो मैं लिखता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, इफ अ डेरिवेटिव, इफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहां पर एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ दी एनी वन ऑफ द रेस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, तभी आप ऐसे डेरिवेटिव को क्या कहते हो, आप पार्शियल डेरिवेटिव कहते हो, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखिए एक चीज और समझना होगा आपको, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई को कांस्टेंट रखोगे, सो कंडीशन है नोट, इफ डिफरेंशिएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल, देन तब
तब उस केस में वो क्या करना होगा, देन ऑल अदर वेरिएबल्स, आर केप्ट कॉन्स्टेंट। ध्यान रखेंगे आपको कि बाकी जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें आपको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आपको ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन जेड है, जेड इज इक्वल टू आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और किसी ने आपसे कहा आप उसे निकाल के दे दो डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स आप कैसे निकालोगे जरा देखो, आपको इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। सो डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बाकी फॉर्मूले सारे वही चलेंगे जो डिफरेंशिएशन के। तो डेल ऑफ डेल एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाओगे, चलो अलग अलग कर दो अब आपको, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, फिर प्लस डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखिए आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बट वाई क्या है आपको, क्या मैंने बोला स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको मैंने लिख के बोला जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने वाले हो, बाकी वेरिएबल्स का आपको क्या करना है कॉन्स्टेंट रखना है। तो वाई क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट, हो तो वाई बाहर आ गया, हो गया डेल एक्स बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे वाई क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2x-1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिफरेंशिएशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा आप तब उस केस में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करोगे। तो उस तरह के डिफरेंशिएशन को आप क्या कहते हो, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हो, क्लियर है, ठीक है। अब इसी में मैंने एक और हेडिंग ऊपर डाली है, दैट इज टोटल डेरिवेटिव, बट उस टॉपिक पे आने से पहले मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की कुछ चीजों को और क्लियर करना चाहूंगा। इसी में आपका एक सब टॉपिक आता है, दैट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो देखेंगे, अ फंक्शन इज सेट टू बी होमोजीनियस, इज सेट टू बी होमोजीनियस इफ, कंडीशन है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज समथिंग ऑफ, अब क्या करो एक्स रेज टू पावर 1 फाई ऑफ वाई बाई एक्स कर दो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे लिख सो वाई रेज टू पावर एन फाई ऑफ, सो फाई की जगह आप मान लो साई, मान लो दूसरा फंक्शन मान लो साई ऑफ एक्स बाई, तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे, होमोजीनियस, जहां उनकी डिग्री क्या होगी, डिग्री आपकी जो भी आपने एन निकाला वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, वो दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको चेक करना है ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो होमोजीनियसिटी के लिए आप कैसे चेक करोगे, तो चलो देखो अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब बाहर निकाल लूँ तो आपको क्या बचेगा 1-3 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। जरा देखो तो ये एक फंक्शन बन गया वाई बाई एक्स का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ, फंक्शन को मैं मान लेता हूँ जी ऑफ वाई बाई एक्स, राइट। सो ये क्या है, एक होमोजीनियस हो गया, इसी का मतलब ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस फंक्शन है, जिसकी डिग्री क्या है, फॉर अ डिग्री एन इक्वल टू 3, क्लियर है। अच्छा एक और एग्जाम्पल इस तरह से आप देख सकते हो, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इसी में दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो आपको किसी ने दे दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, चेक करना है होमोजीनियस है कि नहीं, आपको दिया है लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है, चलिए इसकी होमोजीनियस चेक करते हैं। तो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो, लॉग वाई बाई एक्स लिख सकते हो, लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, और इसको आप लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर 0 लॉग वाई बाई एक्स। तो देखिए दोबारा आपका बन गया एक्स रेज टू पावर 0 जी ऑफ वाई बाई एक्स, तो इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस है, इसकी डिग्री क्या है 0 है विथ, तो इस तरीके से आप होमोजेनिटी डिफाइन कर सकते हो, कोई फंक्शन होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा एक और सपोज करते हैं, सपोज करते हैं एक और फंक्शन आपको दे दी, एक और फंक्शन अगर आपको सपोज करते दिया तीसरा, देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं, आपको निकालना है। फंक्शन दिया है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, आपको सपोज करो दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये जो अंदर फंक्शन इसमें दिया हुआ है वो तो होमोजीनियस है, बट सिंस साइन लगा हुआ है आपको इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, आप ना ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स रेज टू पावर एन ऑफ जी ऑफ वाई एक्स बाई सॉरी वाई बाई एक्स, ना ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वाई रेज टू पावर एन ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स बाई वाई, ना तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए क्या हो गया आपका नॉन होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या बन गया आपका एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन बन गया, क्लियर है ठीक है। तो इस तरीके से आप पता चल पाओगे अगर गेट में क्वेश्चन आएगा, जो भी अभी देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए गेट में, तो कैसे पता करेंगे आपका कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है ठीक है। सो होमोजीनियस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे हर वक्त। सो नोट करके मैं इसको लिखता हूँ कि सपोज करते हैं आपके पास, सपोज करते हैं अगर आपके पास आपने क्या किया कि नहीं दो होमोजीनियस फंक्शन का आपने क्या किया मल्टीप्लीकेशन किया, देखते हैं। सो आपके पास सपोज करते हैं दो फंक्शन है, मान लेते हैं आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, वो आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको दिया है, और एक और फंक्शन जी एक्स कॉमा वाई आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है। सो आपने क्या किया इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट किया, सो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई एंड जी एक्स कॉमा वाई, सो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट अगर आप मल्टीप्लीकेशन करने बैठो चलो देखो आपने एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा वन माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर थ्री, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट एक्स रेज टू पावर फाइव इंटू वन माइनस वाई एक्स का क्यूब इंटू वन माइनस वाई सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये वाई एक्स का क्यूब है सिर्फ। सो एक्स रेज टू पावर फाइव आपको कॉमन मिल गया, और ये हो गया आपका वन माइनस वाई बाई एक्स का क्यूब इंटू वन माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, सो आप इसको लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर फाइव वाई ऑफ वाई बाई एक्स। सो आपने देखा कि आपने दो होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस था ये भी होमोजीनियस था, आपने मल्टीप्लाई किया एक नया फंक्शन बना वो भी, इसको मैं मान लेता हूँ प्रोडक्ट को एच एक्स मान लेता हूँ, ये भी एक होमोजीनियस है। तो इससे आपको ये क्या पता चला अगर किसी दो होमोजीनियस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा एक होमोजीनियस फंक्शन ही मिलेगा, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज द प्रोडक्ट ऑफ टू होमोजीनियस फंक्शंस, टू होमोजीनियस फंक्शंस आर होमोजीनियस इन नेचर, आर होमोजीनियस इन नेचर, क्लियर। अब अगर सपोज करो, अगर आपका सपोज करो दूसरा पॉइंट है, ये तो आपका पहला पॉइंट निकल गया, ये आपका पहला पॉइंट था, इसको मैंने मार्क कर दिया, दूसरा पॉइंट सपोज करो यही क्वेश्चन होता, सपोज करो यही फंक्शन होता, अब आपको क्या निकालना होता एफ एक्स बाई जी एक्स निकालना होता। चलिए देखिए एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब ऊपर से मैंने कॉमन लिया, सो वन माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मैंने नीचे से कॉमन लिया वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, सो ये क्या बचा जरा देखिए हो गया एक्स इन द ब्रैकेट वन माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सो अगेन देखिए एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया जिसको मैं मान लेता हूँ साई ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब क्या अगर आप किन्हीं दो रैशनल फंक्शन को, किन्हीं दो रैशनल फंक्शन जो होमोजीनियस हैं उन्हें अगर आप डिवीजन भी करते हो, किसी दो फंक्शन को आप डिवीजन भी करते हो तो वो भी क्या होगा होमोजीनियस ही होगा, क्लियर है। सो मैं यहां से लिख देता हूँ, सो आपको यहां से मिला क्या दिस इम्प्लाइज, इफ अ फंक्शन इज इन अ रैशनल फॉर्म एंड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होमोजीनियस इन नेचर, आर होमोजीनियस इन नेचर देन, आपने क्या पाया वो रैशनल फंक्शन भी क्या होगा देन रैशनल फंक्शन
इज ऑल्सो होमोजीनियस। देखिए ये सारी चीजें मैंने बताई क्यों, गेट में एक क्वेश्चन आती है उसकी मदद से अगर आपको होमोजीनियस होगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको यूज आउट करके सॉल्व कर सकते हो। और उस क्वेश्चन का नाम क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट इट इज यूलर्स थ्योरम। सो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है देन इफ अ फंक्शन इज होमोजीनियस देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होगा। यहाँ पे यू क्या है, एक फंक्शन है आपका एक्स वाई का, एन क्या है आपका, यहाँ यू क्या है एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, और एन क्या है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो मैंने अभी निकाल के आपको दिखाई थी। क्लियर है? चलिए अब इसी के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चन जो गेट में हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं फटाफट। सो पार्शियल डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन गेट 2000 आपका गेट 2014 में आया है। क्वेश्चन दिया था इफ जेड इज इक्वल टू, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग एक्स वाई देन, ऑप्शन दिए हैं एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, बी वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, सी एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डेल जेड बाई डेल वाई, एंड डी आपको दिया था वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई दोनों निकालना है। चलिए सबसे पहले आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एक्स वाई एल एन एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास क्या है आपको, अब वाई तो एक कॉन्स्टेंट हो गया तो वाई बाहर निकाल लो, सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स वाई। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे निकालोगे, तो वाई इंटू ब्रैकेट में रखो एक्स इंटू लॉग एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स वाई इंटू, सिंस एक्स तो था नहीं, एक्स का एक फंक्शन था एक्स वाई से आप मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डी बाई डी एक्स, आपको मल्टीप्लाई करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई आपको करना पड़ेगा प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है देखो, तो वाई इन द ब्रैकेट ये आ गया आपका, इस एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, डेल एक्स वाई बाई डेल एक्स वाई आपका क्या आ जाएगा, सो डेल एक्स वाई बाहर आ जाएगा, तो वाई बाई वाई इंटू वन प्लस एल एन एक्स वाई बचा। सो वैल्यू आ रही है आपकी डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ से आपको डेल जेड बाई डेल एक्स आपको क्या मिल रहा है, डेल जेड बाई डेल एक्स आपको मिल रहा है जरा देखेंगे, सो वो मिल रहा है वाई इन द ब्रैकेट वन प्लस एल एन एक्स वाई। सिमिलरली आपको डेल जेड बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, सो डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सो डेल बाई डेल एक्स डेल वाई ऑफ आपका हो जाएगा वाई एल एन एक्स वाई। चलिए इसको भी आप सॉल्व कर दो, सो एक्स इन द ब्रैकेट y इंटू डिफरेंशियल एल एन एक्स वाई क्या हो जाएगा वन बाई एक्स वाई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है राइट। तो यहाँ पे y से y कट गया आपका, दैट इज इक्वल टू एक्स इन द ब्रैकेट, अब डेल एक्स वाई डेल डेल वाई डेल वाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, सो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स राइट। सॉरी चाहे ऐसे लिख दीजिए आप, जो मैंने क्या किया, सो एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया आपका प्लस ये हो गया एल एन एक्स वाई। सो ये क्या आ रहा है आपका, देखिए देखिए क्या आ रहा है, एक्स इन द ब्रैकेट वन प्लस एल एन एक्स वाई राइट। सो अगर आप देखो तो आपका सोल्यूशन क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ से लिखूँ दैट इज इक्वल टू मैं लिखूँ अगर अगर आप कंपेरिजन करो, इसको इक्वेशन वन मान लो आप,
इसको इक्वेशन टू मान लो। अगर ध्यान से अगर आप देखो, अगर आप देखो, अगर डेल जेड बाई डेल एक्स में, डेल जेड बाई डेल एक्स में अगर आप एक्स का मल्टीप्लीकेशन करो और डेल जेड बाई डेल वाई में अगर आप वाई का मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको वैल्यू सेम मिलती है। तो जब देखते हैं तो आपको मिला डेल जेड बाई डेल एक्स, आपको मिला इक्वेशन वन से, वो मिला आपको वाई इन द ब्रैकेट 1 + ln x y। एंड डेल जेड बाई डेल वाई आपको मिला, डेल जेड बाई डेल वाई आपको मिलता है, मिला एक्स इन द ब्रैकेट 1 + ln x y, राइट, ये मिला है। सो अगर मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स लिख दूं, हो जाएगा एक्स वाई इन द ब्रैकेट 1 + ln x y, और वाई डेल जेड बाई डेल वाई में मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो हो जाएगा एक्स वाई इन द ब्रैकेट अगेन 1 + ln x y। इसका मतलब आपको क्या हो गया, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, वाई डेल जेड बाई डेल वाई के, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई, जरा देख लीजिए आपकी कौन सी इक्वेशन अब सही आ रही है। सो आई थिंक एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स आइए, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर रेट में आते हैं, ठीक है, क्लियर है चीज, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो गेट में आए हुए, कुछ और क्वेश्चन जो गेट में आए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, सपोज करते हैं अगर आपको दिया है जेड इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x² + y² raised to power 1/3, उन्होंने आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज, ऑप्शंस आपको दिए थे 1/3 z, 2/3 z, 2 z, ओनली z। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई देना आप अपने दिमाग में सोचो कि पहले ये देख लो कि क्या ये फंक्शन किस तरह होमोजीनियस हो सकता है। चलिए इसको होमोजीनियस की तरफ देखो, जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया था x² + y² = 1/3। सो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना चाहूँ तो आपको बाहर क्या आएगा, x³/3 बाहर आएगा, वहां अंदर क्या बचेगा, 1 + y/x² होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया ना, x² / 2/3 × φ(y)x। इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी एन की डिग्री कितनी है, 2/3। तो अगर ये होमोजीनियस है तो क्या सेटिस्फाई करेगा, यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब यूलर थ्योरम क्या होती है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इट इज इक्वल टू एन जेड हो जाएगा, जेड यहाँ एन कितना है आपका, 2/3, तो 2/3 z, सो आंसर इज 2/3 z। तो इस तरीके से अगर आपको ये पता है कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, आप पता बता सकते हो फटाफट, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आप निकाल सकते हो इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस टॉपिक का, आपको दिया था इफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² + y² देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू डेल जेड बाई डेल एक्स एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए हैं यहाँ पे c है एंड d है 2। देखिए अब क्वेश्चन तो लग रहा है कि आपका यूलर थ्योरम जैसा ही है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, इन्होंने लॉगरिथमिक दे रखा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक नोट बना के आपको दे देता हूँ, तो आपको नोट करके ये चीज याद रखोगे इस चीज को, कि इफ द फंक्शन इज नॉट एल्जेब्रिक, क्योंकि एक एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो उसके समय क्या करना है, इफ एफ फंक्शन इज नॉट एल्जेब्रिक बट, अगर इसमें से आप लॉग को इधर ले जाते तो ये फंक्शन बनता, बट मान लेता हूं, चलिए इसको फंक्शन को मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पे, इससे आपको मैं यहां लिखता हूं, इफ द फंक्शन
इफ द फंक्शन, इफ द फंक्शन, इफ द फंक्शन जेड इज नॉट एल्जेब्रिक बट फाई ऑफ जेड इज एल्जेब्रिक एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, देन तब क्या होता है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, उस केस में वैल्यू होती है आपकी एन ऑफ फाई जेड डिवाइड बाई फाई डैश जेड। सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी होगी जो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी जब आपके पास फंक्शन में एक पार्ट एल्जेब्रिक है बट उसमें बाहर की वजह से जो भी इसका एक्सटर्नल फंक्शंस लगा रखा है उसकी वजह से वो एल्जेब्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है जेड इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ दे रखा है आपको जेड इज इक्वल टू लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ई रेस्ट पावर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप। देखो तो ये अब एल्जेब्रिक है, ये होमोजीनियस भी है, राइट। सो इसका मतलब आपका फाई ऑफ जेड, जो मैंने फंक्शन वहां पर बोला था फाई ऑफ जेड क्या है, ई रेस्ट पावर जेड, राइट। अब देखिए होमोजीनियस कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन इन द ब्रैकेट वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू भी है। इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो इस इक्वेशन से एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल एन इज द ब्रैकेट इन द ब्रैकेट टू, फाई ऑफ जेड इज ई रेस्ट टू पावर जेड, फाई डेस जेड क्या हो जाएगा आपका ई रेस्ट टू पावर जेड, सो ई रेस्ट पावर जेड से ई रेस्ट पावर जेड कैंसिल, आंसर आ गया आपका। इस तरीके से अगर आपके पास शॉर्टकट्स पता है तो आप फटाफट आपके आंसर्स को निकाल सकते हो, क्लियर है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर देख लेते हैं जो आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज की क्लास का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चलिए फोर्थ आया है गेट में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो गेट में आया। क्वेश्चन दिया है इफ जेड इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, देन दी वैल्यू ऑफ देन दी वैल्यू ऑफ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू के साइन टू जेड, द वैल्यू ऑफ के इज, द वैल्यू ऑफ के इज, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है द वैल्यू ऑफ के इज, द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, सेम वही दिक्कत है। देखिए यहाँ पे टैन ना होता ये फंक्शन एलजेब्रिक होगा। चलिए तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा जेड इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। मैं टैन को अगर धर ले आऊँ तो टैन जेड इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई, और ये देखिए ये होमोजीनियस भी है, कैसे निकाल लीजिए यहाँ से, तो वन प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, राइट। न्यूमरेटर में अगर आप देख लिया डिनोमेटर में भी आप ऐसे कर दीजिए, सो आपको मिल गया यहाँ से एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई बाई एक्स, सो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर ऑफ, आप इसको मान लीजिए साई ऑफ वाई बाई एक्स, सो होमोजीनियस है एन इक्वल टू टू के लिए। सो ऐसे केसेस में आपका फाइव जेड क्या है टेन जेड के बराबर है, तो आपको फाइव डैश जेड चाहिए, टेन जेड का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है सेक्स स्क्वायर जेड, राइट। सो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए पीछे जो मैंने कहा था अभी आपको शॉर्ट नोट्स में, ये वाला लगा दीजिए डायरेक्टली। सो एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई इट इज इक्वल टू नैन ऑफ फाई जेड डिवाइड बाई फाई डैश जेड, सो एन इज टू, फाई जेड इज टेन जेड डिवाइड बाई सेक स्क्वायर जेड। अब आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने के ऑफ साइन टू जेड पूछा हुआ है। चलिए तो आगे लिखते हैं, तो टू टेन जेड हो जाएगा साइन जेड डिवाइड बाई कॉस जेड इन टू सेक स्क्वायर जेड नीचे था तो वन बाई कॉस स्क्वायर जेड ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर जेड ऊपर चला गया तो कॉस जेड से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया टू ऑफ साइन जेड कॉस जेड, तो टू साइन जेड कॉस जेड क्या होता है साइन टू जेड। इसका मतलब आपका कंपेरिजन करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, के इज इक्वल टू, सो योर आंसर इज,
सो इस तरीके से अगर आपके पास शॉर्टकट्स आपको पता है पहले से, तो आप किसी भी चीजों का ग्यूलर थ्योरम से या पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन या उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। सो मैंने एक चीज और बोली थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे हेडिंग में मैंने एक चीज और डाली थी, दैट इज टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। तो देख लेते टोटल डेरिवेटिव क्या है, 2 मिनट का टॉपिक है। टोटल डेरिवेटिव क्या आपके पास अब क्लियरली समझ में आ जाएगा, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आया। टोटल डेरिवेटिव नथिंग बट, अगर सपोज जैसे भी आपने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल्स थे, हर एक वेरिएबल का अलग अलग आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो आपके पास फंक्शन था जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपने क्या किया, आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला, आपने डेल जेड बाई डेल वाई निकाला। बट सपोज करते हैं ये जो एक्स है, अभी एक्स हो एक फंक्शन का खुद के, मान लेते हैं टी का एक फंक्शन, और वाई आपका फंक्शन हो एक और, मान लेते हैं इसको फाई वन, इसको मैं फाई टू मान लेता हूँ, या हाँ फाई टू, ये भी एक फंक्शन है आपका टी का। तो उस केस में अगर आपको किसी ने कहा आपको डेल जेड बाई डेल टी निकालना है, डेल जेड बाई डेल टी निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हो। तो आप कैसे निकालोगे डेल जेड बाई डेल टी, कैसे निकालोगे? तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल जेड आपको पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक्स को आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको डेल जेड को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वाई को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है? तो ये जो फंक्शन बना आपका, ये जो फंक्शन डेल जेड बाई डेल टी बना, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दिस इज नथिंग बट, तो मैं बॉक्स में बंद करूं, सो टॉपिक जो जो चल रही है वो आपकी चल रही है टोटल डेरिवेटिव वाली, राइट? इसी को आप क्या कहते हो, टोटल डेरिवेटिव कोफिशिएंट। कभी कभी गेट के में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे देख सकते हो, सपोज करो केसेस के फॉर्म में करा, तो पहला केस सपोज करते हैं जेड एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, और वाई जो है आपका फंक्शन है एक्स का, देन ऐसे केस में अगर आपको क्या निकालना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे निकालोगे जरा देखो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स को किसी का फंक्शन है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, बट डेल जेड फिर आपको वाई से डिफरेंशिएट करना होगा, बट वाई किसका फंक्शन है एक्स का, तो डेल वाई बाई डेल एक्स भी आपको निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना। सिमिलरली दूसरा अगर आप देखो, एक और कोरोलरी आप देख सकते हो, मान लेते हैं आपका फंक्शन जेड है, मान लेते हैं आपका फंक्शन जेड है, सिमिलरली जैसे पहले था एक्स कॉमा एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, बट अगर सपोज करो एक्स जो है वो फंक्शन है किसका, वो मान लेता हूं मैं एक्स वन कॉमा एक्स टू का, एंड वाई है आपका फंक्शन एक्स वन कॉमा एक्स टू का। तो ऐसे केसेज में अगर आपको सपोज करो किसी ने आपसे कहा डेल जेड बाई डेल टी वन डेल एक्स वन निकालना है, अगर आपको डेल टी वन नहीं डेल एक्स वन निकालना है, डेल एक्स वन निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, सीधी सी बात है, कैसे निकालोगे? आपको क्या करना पड़ेगा, डेल जेड को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक्स को एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिमिलरली डेल जेड को आपको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वाई को आपको वाई आपको एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, एक्स वन कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा होता आपसे डेल जेड बाई डेल एक्स टू पूछ दिया होता, तो आप क्या करते, डेल जेड को डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, फिर डेल एक्स को आप एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, सिमिलर डेल जेड को आप डेल वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, फिर डेल वाई को आप डेल वाई टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। क्लियर है? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी तरह सपोज करो एक और आप स्टेप भी ले लो, एक और ले लेते हैं, सपोज करते हैं आपके पास एक और फंक्शन किसी तरह गेट में आ गया, जहां पे दे रखा है, मान लेते हैं आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई जो है एक इक्वेशन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड थ्रू एन इक्वेशन, ये आपने कल भी किया था, थ्रू एन इक्वेशन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो,
तब आपको निकालना क्या है, देन किसी ने आपसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका फंक्शन मिल जाएगा। सो ये तरीका है आपको टोटल डेरिवेटिव निकालने का, जहां आपने देखा कि बेसिकली क्या होगा, पहले क्या था पार्शियल डेरिवेटिव में, एक्स एंड वाई आपका क्या था, कॉन्स्टेंट थे, मतलब एक्स एंड वाई किसी और के फंक्शन नहीं थे, बट यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई एक पैरामीटर है टी का या किसी और फंक्शन का, तो आपको उस केस में वो क्या करना पड़ता है, आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। क्लियर है, जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं कि आप किस तरीके से टोटल डिफरेंशियल, यहाँ पे आपने जैसे इसमें क्या देखा, जो एक फंक्शन एक्स वाई का, एक्स किसी का फंक्शन है बट वाई एक फंक्शन एक्स का, तो टोटल डेरिवेटिव आप ऐसे निकालोगे, अगर एक्स आपका फंक्शन एक्स वन एक्स टू का, जेड भी आप, वाई भी फंक्शन आपका एक्स वन एक्स टू का, आप ऐसे निकालोगे। तो इस तरीके से आप टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। सो आज की क्लास में हमने देखा कि एक एप्लीकेशन पढ़ी हमने डिफरेंशिएशन की, जो थी आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपने रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा कि आप किस तरीके से, जो आप भी आपने एक्सपेंशन पढ़े थे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, उनका एक्सपेंशन आप कैसे टेलर और मैकलरन सीरीज से निकालोगे, और आपने ये भी देखा अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उस केस में अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा, उस डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और अगर वो फंक्शन भी किसी एक और का फंक्शन बनता है तो उस डेरिवेशन को हम क्या कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। सो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें रीड आउट करी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जो मैं वहां पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में बता रहा था, उन्हें निकालते हैं। सो थैंक यू ऑल, और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रिसेंट अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।